हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्मृति। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ स्प्रिंग रोल रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल। घबराइए नहीं दोस्तों, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ही बनेगा इजी स्टेप्स देके। स्प्रिंग रोल की जब बात आती है तो हम लोग इसके शीट या रैपर में धोखा खा जाते हैं। मन में यही चलते रहते हैं कैसे इसको इतना पतली बनाए। देखिए मेरे स्प्रिंग रोल कितना क्रिस्पी बना है, इसका शीट भी पतली बनी है, बाजार जैसा लग रहा है। सच बोलूँ तो इसको बना के मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैं भेज स्प्रिंग रोल बनाई, आप लोग भीतर का स्टफिंग चेंज भी कर सकते हो। मैं चाइनीज़ बनाई, आप लोग चीज़ दे के भी बना सकती हो। सबसे मेन पार्ट है शीट बनाना। चलिए शुरू करते हैं। एक बोल में हाफ कप मैदा और 1/3 कप कॉर्नफ्लोर डाली हूँ। इसमें चुटकी भर नमक भी डाल दिया। मैं हाफ कप पानी डाली हूँ, बट पानी को धीरे धीरे मिलाऊंगी जब तक बैटर स्मूथ ना बन जाए। देखिए बैटर थोड़ी सी गाढ़ी है तो मैं और भी पानी ऐड करूँगी। इस बैटर प्रिपेयर करने में मुझे टोटल 1/2 कप और 1/3 कप पानी लगी है। देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब पैन चढ़ाए और पैन में ऑयल ब्रश कर दें। ठीक है, पैन नॉनस्टिक होना चाहिए। सेम प्रोसेस में उसमें अपना बैटर ब्रश कर दे। फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। अगर साइड से बैटर निकल जाए तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका शेप परफेक्ट नहीं होने से भी चलेगा, हम बाद में अनइक्वल एजेस को काट लेंगे। ये शीट बहुत ही पतली बनेगी, आप लोग खुद ही देख लो कितना ट्रांसपेरेंट बनी है। बहुत गर्म है, थोड़ा सा ध्यान से हाथ में लीजिएगा। मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ गर्म के चलते। ये देखिए शीट कितनी पतली बनी है, एकदम ट्रांसपेरेंट। जब शीट को प्लेट में रखें तो प्लेट में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर दें और ऐसे ही शीट का ऊपर भी कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर दें ताकि बाकी शीट चिपक ना जाए। अब हम बाकी शीट भी बना लेंगे सेम प्रोसेस में। थोड़ी ही सेकंड में शीट बन के तैयार हो जाएगा। हाथों से शीट को ना उठाए, बहुत गर्म है। पैन को पलट दे प्लेट में। देखिए मेरे सभी शीट बनके तैयार हो गया है ना, कितना आसान शीट बनाने में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, स्टफिंग बना लेते हैं। पैन को गर्म कर ले और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाले। तेल गरम होते ही 1 टीस्पून बारीक कटी हुई लहसुन डाल दे, फिर जाएगा 1 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक। अच्छे से चला ले, फिर उसमें डाले 1 चॉप्ड हरी मिर्ची। थोड़ी सी भूनते ही डाल देंगे 1/2 कप लंबी कटी हुई गाजर। अब डालेंगे 1/3 कप चॉप्ड बीन्स। अब इसमें जाएगा लंबी कटी हुई कैप्सिकम 1/2 कप। थोड़ा सा चलाएंगे, फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सेजवान चटनी। अब हम इसको पकाएंगे 1 मिनट तक, इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। अब डाल देंगे 1/2 कप लंबी कटी हुई प्याज। 2 मिनट तक हाई फ्लेम में सब्जी को पकाऊंगी, ज़्यादा पकाऊंगी तो सब्जी सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम सॉस डालेंगे, रेड चिली सॉस 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून सोया सॉस। अब इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। बारी आती है नमक की, 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाली हूँ। नमक थोड़ा सा सोच समझ के डालिए क्योंकि सॉस यूज़ किया हो। अब इसको कंटिन्यू चलाते हुए डाल देंगे 1/2 कप पत्ता गोभी।
पत्ता गोभी बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। आप पत्ता गोभी नहीं खाते हो तो नूडल्स भी डाल सकते हो। 2 मिनट तक पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। तब सब्जी पानी छोड़ देगी और स्प्रिंग रोल से पानी निकलना स्टार्ट कर देगा। सब्जी को थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब हम फटाफट तैयार करेंगे ग्लू, मतलब एक पेस्ट बनाएंगे जो स्प्रिंग रोल में यूज़ होगा। स्प्रिंग रोल तेल में डालने से खुलेगा नहीं। 2 टेबलस्पून मैदा लिया हूँ और इसमें पानी डाल के अच्छा से एक पेस्ट बना लिया। इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब मैं स्प्रिंग रोल की सीट लेके उसका अनइक्वल एजेस काट लेंगे। मैं पिज़्ज़ा कटर यूज़ किया हूँ, आप लोग किसी नाइफ की मदद से भी कर सकते हो। अब मैं स्प्रिंग रोल सीट के ऊपर फिलिंग की एक लाइन बना लूँगी। आपको जितनी ज़्यादा फिलिंग पसंद है उतनी ज़्यादा फिलिंग डाल सकते हो। अब 2 कोने में ग्लू लगाना है और 2 कोने को बीच में लाना है ऐसे। फिर हाथों से स्प्रिंग रोल सीट को पकड़ के रोल करना स्टार्ट करना है। फिर ग्लू देके चिपक देना है ऐसे। तैयार हो गया हमारी पहली स्प्रिंग रोल। देखिए कितनी अच्छी बनी है, कहीं से स्टफिंग निकलने की चांसेस नहीं है। बाकी स्प्रिंग रोल भी तैयार हो गया। अब बारी आती है तलने की। इसको आप बेक भी कर सकते हो या सैलो फ्राई भी कर सकते हो। फ्राई होने की स्टेप ये है, ऑयल को फुल गर्म कर ले, फिर फ्लेम को मीडियम कर ले। शुरू में 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम में फ्राई कर ले ताकि स्प्रिंग रोल भीतर से अच्छे से पक जाए। फिर ऑयल को हाई कर ले और गोल्डन फ्राई होने तक तल ले। ये कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। अरे वाओ, कितना क्रंची बना है। देखिए ये सीट पतली होने के कारण ही ये इतना क्रंची बना है और कलर भी कितना मस्त आया है। ये जो स्प्रिंग रोल है ये 20 से 25 मिनट तक आराम से क्रंची रहेगा। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ हॉट एंड चिली सॉस के साथ। देखिए कितना क्रंची है। सो दोस्तों, उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अनटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।